नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेंस स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र माह के बाद अब वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता है कि वैशाख महीने में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण को मुरलीधर, माखनचोर, श्याम, गोपाल आदि 108 नामों से जाना जाता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु भी कहा गया है। इतना ही नहीं, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को भगवान को प्रसन्न करने के कई उपायों के बारे में भी बताया है। कहते हैं कि सिर्फ भाव रखने से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से रंक भी राजा बन जाता है। भगवान श्री विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी है। कहते हैं कि ऐसे में भगवान विष्णु जिन पर मेहरबान होते हैं उन्हें जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार धन का आगमन उनके घर होता है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से ये काम अवश्य करें जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको उन्हें कैसे खुश करना है, आइए जानते हैं। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कई तरीकों का जिक्र किया गया है। अगर आप श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और नित्य रूप से पूजा उपासना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा जरूर बरसाएंगे। कहते हैं कि अगर आप भौतिक दुनिया से जुड़े हुए हैं तो भी प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके लिए रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। उसके बाद हथेली का अवलोकन अवश्य करें। हथेली का अवलोकन करते समय इन मंत्रों का जाप अवश्य कर सकते हैं आप। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल मिले पानी से स्नान ध्यान करें और इसके बाद फिर से हथेली में जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इन कार्यों को करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को पूजा में फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, तुलसी, तिल, जौ, अक्षत, हल्दी और चंदन अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को स्नान ध्यान करवाकर उनका श्रृंगार करें और उसके बाद उन्हें दर्पण दिखाने से वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में धन का आगमन होता है। इसके बाद आखिर में आरती करें। भगवान श्री कृष्ण से सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कामना करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।